नमस्कार, आप सुन रहे हैं जारगव डॉट टीवी का डिजिटल रेडियो कार्यक्रम, जिसमें आप सप्ताह भर की खबरों से वाकिफ हो सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, मगर आप इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। आज के इस साप्ताहिक अंक में सबसे पहले रुख करते हैं 12 जुलाई का। 12 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में लंबा कार्यकाल पूरा कर चुकी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ससम्मान विदा किया। सीएम ने गुलदस्ता भेंटकर उन्हें विदाई दी। इस मौके पर सीएम ने बतौर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल को बेहतरीन बताया। वहीं 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की एवं राज्य की सुख शांति के लिए आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट के मद्देनजर लोगों से अपने घरों में रहकर भगवान जगन्नाथ की आराधना करने की अपील भी की। 13 जुलाई की अगर बात करें तो इस दिन वन विभाग द्वारा राजधानी रांची के निकट गांधी ग्राम में आयोजित 72वें वन महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के नाम में ही जल जंगल जमीन की झलक मिलती है। वहीं 13 जुलाई को झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस रांची पहुंचे, जिसके बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए राज्यपाल का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। झारखंड के लिए 14 जुलाई का दिन काफी अहम रहा। राजभवन के बिरसा मंडप में सूबे के 10वें राज्यपाल के रूप में श्री रमेश बैस ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नए राज्यपाल को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने शपथ दिलाई। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक बधाई दी। वहीं दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करमटोली स्थित सरना स्थल पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे धुमकुड़िया सामुदायिक भवन निर्माण का शिलान्यास व पारंपरिक रीति से पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पूर्वजों द्वारा सौंपी गई सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। अब रुख कर लेते हैं 15 जुलाई का। इस दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की कार्यशाला में योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीण इलाकों के हित पर आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं में ग्रामीणों के आर्थिक संसाधनों की वृद्धि पर विशेष बल दिया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने 15 जुलाई को ही सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर दिवंगत स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि दी। 16 जुलाई की बात करें तो इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक कार्यक्रम में शामिल होने अपने पैतृक गांव नीमरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार न केवल सतर्क है बल्कि सीमित संसाधनों के बावजूद पुख्ता तैयारी कर रही है। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारगव डॉट टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो। नमस्कार।